कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से अब ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों को यह जागरूक किया जा रहा है कि वह अपनी फसलों के अवशेष न जलाएं और कुछ न कुछ सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लाभ का फायदा अवश्य लें। धान की कटाई का सीजन जब शुरू होता है तो किसान अपने खेतों में पराली को जला डालते हैं, जिससे एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की भयंकर समस्या बन जाती है, जिसकी रोकथाम को लेकर अब कृषि विभाग ने पहले से ही किसानों को जागरूक करने के मकसद को लेकर एक वैन को तैयार कर लिया है और पॉम्पलेट भी बाकायदा छपवा दिए गए हैं, ताकि ग्राउंड जीरो पर जाकर किसानों को वितरण कर उनको जागरूक किया जा सके। किसानों को जागरूक करने के मकसद को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोनीपत लघु सचिवालय से शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर जागरूक मोबाइल वैन को रवाना किया। इस दौरान मंत्री ने बताया कि इस तरह के एन सी आर में रहते हैं कि जो फसलों के लिए सुना जला उसके मंत्री मिला है उससे पॉल्यूशन होता है उससे आम व्यक्ति को नुकसान होता है वातावरण में होता है, इससे क्या है कि मिलाने का काम करें जलाने का काम ना करें उसकी इजाजत मिली। विभाग के अधिकारियों द्वारा अब किसानों पर पराली जलाते पाए गए तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसको लेकर पहले से ही जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर, आज की जो मोबाइल वैन है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में 347 गांव में जाएगी और किसानों को पंपलेट और लीफलेट के माध्यम से और माइक और वीडियो के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से जागरूक करने का काम करेगी कि धान की कटाई के बाद किसान भाइयों ने फसल अवशेष जलाने नहीं है, बल्कि उनको खेत में ही मिलाकर उनका प्रबंधन करना है। जैसे आपको पता है कि पिछली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में 94 लोकेशन आई थी, जो पिछली बार से 60% रिडक्शन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी ये अपील करूंगा कि हमारा सरकार ने और कृषि विभाग ने जो इस बार टारगेट लिया है कि जिला सोनीपत में जीरो बर्निंग होनी चाहिए, तो मैं सभी किसान भाइयों को और हमारे कृषि विभाग की टीम को ये समझाते हुए या मानते हुए आपके आगे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा इस बार फसल अवशेष प्रबंधन के मौके पर बहुत ही अच्छा कार्य होगा और हम 100% ये कोशिश करेंगे कि सफल में इसमें किसी भी तरह की कोई फायर लोकेशन ना आए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से हमने आज दो वैन फसल अवशेष प्रबंधन के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए तैयार की हैं, जिनकी रवानगी का कार्यक्रम अभी चल रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पूरे जिले में एक जबरदस्त आंदोलन के रूप में एक अभियान चलाया जाएगा। हमारा कृषि विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं और इसके साथ साथ कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी स्कीमें लाई गई हैं, जिसके तहत कृषि विभाग में फसल अवशेष प्रबंधन अनुदान पर 50% अनुदान दिया जा रहा है और कस्टमाइज सेंटरों के लिए 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। जो कस्टमाइज सेंटर बनाए गए हैं उसमें फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र हमारे उपलब्ध हैं। जो किसान जिनके पास ये यंत्र नहीं है वहां से जो किराए विभाग द्वारा निश्चित किए गए हैं उन किरायों को लेकर फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो किसान इन मशीनों के माध्यम से इंसीटू या एक्सीटू मशीनों के द्वारा फसल अवशेषों का अपने खेत में प्रबंधन करेगा ₹1,000 प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो 94 किसान पराली जलाते हुए पाए गए थे, उनकी लोकेशन जब कृषि विभाग के पास आई तो उनको जुर्माना भी लगाया गया।
पराली नहीं जलाने से ही स्वस्थ वातावरण बना रह सकता। किसानों को इस तरफ ध्यान देकर जागरूक होना होगा। अगर कोई किसान अपने खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई करने के साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।